नमस्कार किसान दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीरे के बारे में कुछ चर्चा करेंगे जिसमें आपको फुले के एसी 94 वैरायटी के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले ये वैरायटी के जो हम बता देते हैं, ये जूनागढ़ में कृषि सारंग एग्री क्लिनिक द्वारा निकाली गई थी, इसमें रिसर्च की गई थी। अब इसके आगे की हम जो चीजें बताते हैं कि इस वैरायटी की जो खासियत है कि आप जब जर्मिनेट करोगे तो बाकी जीरे के कंपैरिजन में अगर हम फुले के एसी 94 को देखें तो इसका जर्मिनेशन जल्दी आता है, आपको जल्दी जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। साथ में जैसे ही पौधा बड़ा होगा आपको उसमें बहुत ज्यादा फुटन देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा फुटन होने से ब्रांचेस ज्यादा देखने को मिलेंगी। और जैसे ही ब्रांचेस ज्यादा देखने को मिलेंगी, जब ये अम्ब्रेला शेप बनाता है, जो चक्कर आता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको बीज देखने को मिलेंगे। इन सब के कारण इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो काफी ज्यादा है। और साथ में जब ये मैच्योरिटी पे आता है, मैच्योरिटी पे हमने कई किसानों से ये चीजें सुनने को मिली हैं कि जब भी कोई जीरे का पौधा मैच्योरिटी पे आता है तो अलग अलग टाइम पे उसका जीरा देखने को मिलता है, जिससे क्या है, शेटरिंग का प्रॉब्लम, गिरने का जो समस्या है वो आता है। लेकिन फुले के ऐसी 94 में ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे सबकी पकने की अवस्था समान समय पे आती है, जिससे जो जीरे में है ना, एक साथ मैच्योरिटी कारण हार्वेस्टिंग में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमको देखने को मिलता है। दूसरा जो सबसे बड़ी कमी है जीरे में, आप जब भी जीरे का बीज डालते हैं तो जीरे में जो जर्मिनेशन काफी समय तक चलता हुआ दिखाई देता है। आप आज बुआई कर दोगे तो उसकी जो जर्मिनेशन है कुछ 40-50% अभी जर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद 20-30% 10 दिन बाद जर्मिनेट होगा, ऐसे 25 दिन तक वो जर्मिनेट होता रहता है। लेकिन इसका जर्मिनेशन जो है वो भी समय पे आता है, एक साथ आता है, और मैच्योरिटी है वो भी समय पे आती है, एक साथ आती है। इसलिए ये वैरायटी बाकी की कंपैरिजन में एक अच्छा रोल प्ले करते हुए दिखाई दी। किसानों से ये अनुरोध है कि आप जो मार्केट में जीरे की अच्छी वैरायटी चल रही हो उन्हीं को अपनाएं, और बाद में जैसा रिजल्ट आता है वो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में।